Good morning students, Hare Krishna. In English subject, today we will revise use of this and that. पिछली कक्षा में हमने this और that के बारे में पढ़ा था, आज हम फिर से उसका revision करेंगे. तो आप अपनी English की literacy skill book में page number 19 निकाल. Let's see here. यहाँ कुछ pictures दे रखी है, उनको आपको identify करके उसके according आपको this और that के sentences लिखने हैं. चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ये किसका पिक्चर है? यस, वॉच का पिक्चर है. अब यहाँ दो सेंटेंसेस दे रखे हैं. दिस इज अ वॉच, दैट इज अ डॉग. अब आप क्या बताइए क्या है? यस, वॉच है. तो हम इसके लिए लिखेंगे दिस इज अ वॉच. देखिए क्या लिखा है यहाँ, दिस इज अ वॉच. इन नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज अ स्टार, दैट इज अ फ्रॉग. अब आप इस पिक्चर को देखिए, इसके सामने जो पिक्चर दे रखी है क्या है? ये फ्रॉग. तो स्टार नहीं है, ये फ्रॉग है. सो वी विल राइट दैट इज अ फ्रॉग. हम यहाँ क्या लिखेंगे? टी एच ए टी, दैट इज अ फ्रॉग. एफ आर ओ जी, फ्रॉग. इन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है ये? यस, फ्रॉग है. अब यहाँ दो सेंटेंसेस दे रखे, टू सेंटेंसेस आर हियर. दिस इज अ फ्रॉग, दैट इज अ फ्रॉग. अभी फ्रॉग है लेकिन ये दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? यह एक फ्रॉग है या वह एक फ्रॉग है? यस, वह एक फ्रॉग है. और वह के लिए हम यूज करते हैं टी एच ए टी, दैट. सो वी विल राइट T H A T, that is a frog. F R O C K, frog. इस सेंटेंस में देखिए क्या है ये? यस, रोज, गुलाब. अब यहाँ टू सेंटेंसेस लिखे हैं. दिस इज अ रोज, That is a rose. अभी rose पास में हमारे, तो हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? यह एक गुलाब है. और यह के लिए हम use करते हैं this. यह को हम बोलते हैं English में this. So हम यहाँ क्या लिखेंगे? This is a rose. R O S E, rose. Okay? लेट्स सी हियर. यहाँ एक कार है और वहाँ एक मोटर बाइक है. अब ये मेरे पास में है, मैं कहूँगी यह एक कार है. यह के लिए हम बोलेंगे दिस इज अ कार. और वह एक मोटरसाइकिल है, वहाँ रखी है. हम उसके लिए बात करें कि वह, तो हम बोलेंगे दैट इज अ मोटरसाइकिल. अब देखिए मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, मैंने कार को वहाँ रख दिया और मोटरसाइकिल को यहाँ रख दिया. तो अब हम क्या बोलेंगे? यह एक मोटरसाइकिल है, दिस इज अ मोटरसाइकिल. और वह एक कार है, दैट इज अ कार. दिस इज अ मोटरसाइकिल, दैट इज अ कार. ओके, शो द पेज नंबर 92. अब आपको यहाँ दोनों तरफ कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिस और दैट का यूज करना है. चलिए एक सेंटेंस में हम देखते हैं ये क्या है. ये गर्ल है, गर्ल के पास एक फॉक्स है और गर्ल से दूर एक बॉक्स रखा है. तो गर्ल अगर कह रही है कि यह एक फॉक्स है और वह एक बॉक्स है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? यस, दिस इज अ फॉक्स, दिस इज अ फॉक्स. और अगर ये गर्ल कह रही है कि वह एक बॉक्स से दूर है, तो उसके लिए वो यूज करेगी वह. तो वह के लिए हम लिखेंगे टी एच ए टी, दैट इज अ बी ओ एक्स, बॉक्स. नाउ लेट्स सी हियर. ये एक बॉय है, बॉय के पास एक कप है और बॉय से दूर एक कैप है. अगर बॉय कहता है, बॉय के पास में कप है, वो कहेगा यह एक कप है, तो यह के लिए हम कहेंगे
दिस इज अ कप, दिस इज अ कप। अभी बॉय कह रहा है कि वह एक कैप है, वह के लिए विल यूज वर्ड दैट, टी एच ए टी, दैट इज अ कैप, सी ए पी कैप। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको सब अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं वर्कशीट प्रोवाइड करूँगी, आपको अच्छे से पिक्चर्स देख के उसके अकॉर्डिंग दिस और दैट के सेंटेंसेस लिखने हैं। नाउ आवर क्लास इज वाइंड अप, हैव अ नाइस डे।